नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सब नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र आकाश मंडल का 17वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि जो जातक अनुराधा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, भौतिक सुख कौन कौन सा है, किस किस चीजों के वह प्रतीक है, कुंडली के अंदर सकारात्मक यानी स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है ऐसे जातक की, और नकारात्मक पक्ष यानी कमजोरी कौन कौन सी देखी गई है। अनुराधा नक्षत्र के अंदर चार चरण होता है, चार चरण के हिसाब से ही नामकरण होता है। तो जो जातक जिस चरण में होगा उससे उसका नाम निकलेगा, और चरण की विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज बारीकी से हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वैदिक काल के अंदर राशि नहीं बल्कि नक्षत्र देख के ही भविष्य कथन होता था। तो इसीलिए जैसे राशि जरूरत जरूरी होती है, इसी प्रकार नक्षत्र भी बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज का बारीकी से अध्ययन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का मतलब होता है सफलता। अनुराधा के जो नक्षत्र स्वामी हुए वो शनि हुए, और जो राशि स्वामी हुए वो मंगल, क्योंकि इनकी जो राशि है वृश्चिक होती है और वृश्चिक के स्वामी मंगल। जन्म राशि वृश्चिक, वर्ण ब्राह्मण, वश्य कीट, गण देव तथा नाड़ी आदि है। किस किस चीजों के प्रतीक होते हैं, प्रतीक चिन्ह है तोरक द्वार, रंग इनका लाल बादामी, वृक्ष मौलश्री, भाग्य अक्षर ना, देवता भैरव। सो शारीरिक गठन जो होता है इनका सामान्य होता है। भौतिक सुख ऐसे जातकों का भवन और वाहन ऐसे जातक को जिंदगी में जरूर मिलते हैं, और सुंदर बाल होते हैं ऐसे जातक का। अब मैं आपको बताता हूं ये ऐसे जातक का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जो भी जातक अनुराधा नक्षत्र में पैदा होता है तो आप ये समझ लीजिए उसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो जातक बाहर ही जाके अपना कैरियर बनाएगा। अधिकांश जातक अनुराधा नक्षत्र के बाहर ही ज्यादा सेटल होते हैं। तो ज्यादातर अधिकांश जीवन बाहर ही बीतता है उनका। समाज में मान सम्मान होता है ऐसे जातक का। विदेश में भाग्य ही बनता है। धनयोग बहुत अच्छा होता है ऐसा जातक का। बाहर जाके बहुत पैसा कमाते हैं। समाज में मान सम्मान के साथ साहसी, कर्मठ और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। चुपचाप धीरे 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 प्रगति करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा खाने के शौकीन होते हैं जो अनुराधा नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं। और जिंदगी के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब अनुराधा नक्षत्र के अंदर धन की भी कमी फील करते हैं, पर कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और विपरीत परिस्थिति में भी निरंतर आगे बढ़ते हैं और अपना भाग्य उदय करते हैं। इस तरह के जातक होते हैं अनुराधा नक्षत्र के अंदर। अगर कुंडली के अंदर, क्योंकि राशि स्वामी मंगल और नक्षत्र स्वामी शनि, कुंडली के अंदर अगर इनकी पोजीशन सही नहीं है तो जातक थोड़ा सा झगड़ालू और क्रूर भी देखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं सकारात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं, नकारात्मक पक्ष कौन से होते हैं। सकारात्मक मतलब स्ट्रेंथ कौन सी होती है। देखिए, जातक अनुराधा नक्षत्र के अंदर पैदा रहता है, नक्षत्र स्वामी शनि और राशि स्वामी मंगल के होने के कारण ऐसे जातक पर जिंदगी भर मंगल और शनि का प्रभाव पड़ता है। मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं, और यह आप ये समझ लीजिए एक दूसरे को सम मानते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर शनि और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ऐसा जातक वेद पुराण, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कैरियर बनाएगा। इन कार्यों में रुचि भी लेगा, कला निपुण होगा। मंगल और शनि दोनों ही परिश्रम के कारक है, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी होगा, बहुत मेहनती होगा। उस जातक के अंदर आलकस बिल्कुल भी नहीं होगा। उत्साही, प्रयोगवादी, शोधकर्ता होता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और ऐसे जातक के विदोष योग बहुत ज्यादा होते हैं जो जातक अनुराधा नक्षत्र के अंदर पैदा होता है। अब नकारात्मक पक्ष, कुंडली के अंदर अगर मंगल और शनि ज्यादा अच्छे नहीं है, नीच के हैं, या शत्रु राशि के अंदर है, या त्रिक भाव के अंदर है और पाप दृष्टि से पीड़ित है, तो ऐसे जातक कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। गुप्त कार्यों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं,
निपुण होते हैं, स्वार्थी होते हैं, हिंसक कठोर क्रूर स्वभाव के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अनुराधा नक्षत्र के जो चार चरण होते हैं। देखिए जो जातक पहले चरण में जो पैदा होगा, जो जातक पहले चरण में पैदा होगा अनुराधा नक्षत्र के, तो मंगल शनि के साथ साथ उसमें सूर्य का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रथम चरण के जो स्वामी हैं वो सूर्य हुए। तो नक्षत्र स्वामी शनि, राशि स्वामी मंगल और चरण स्वामी हुए सूर्य, तो यानी सूर्य का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जातक मंगल शनि के साथ सूर्य का भी प्रभाव होने के साथ साथ बहुत ही उतावला, स्वस्थ, सूर्य मंगल के मित्र हैं तो सूर्य और मंगल की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, शनि की मिश्रित सो मिश्रित फल देगी, शनि की दशा में भौतिक सुख भी मिलेगा और मंगल की दशा में भाग्य उदय होगा और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी होगी। और ऐसे जातक जिसका प्रथम चरण में जो पैदा होते हैं उसका ना से नाम निकलता है। द्वितीय चरण के अंदर जातक का जो चरण स्वामी होगा बुध होगा, यानी शनि मंगल के साथ साथ उनकी जिंदगी पर बुध का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक काफी धार्मिक स्वभाव, और दूसरी बात, जब जब मंगल की दशा होगी बुध में, बुध की दशा और मंगल के अंदर दशा, तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे क्योंकि बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। वरन जब बुध के अंदर शनि की दशा और शनि के अंदर बुध की अंतरदशा चलेगी तब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जातक को, बहुत अच्छा भाग्य उदय होगा, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और बुध और शनि की जो दशा होगी वह बहुत ही अच्छी होगी, और ऐसे जातक का जो नाम निकलेगा वो नी से निकलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, जो तीसरा चरण में जो जातक पैदा होता है उसका चरण स्वामी शुक्र होते हैं, यानी शनि मंगल के साथ शुक्र का भी उनके जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक की आयु बहुत ज्यादा होती है, दीर्घायु होती है, पराक्रम उनके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरा होता है, और शनि के अंदर शुक्र की दशा या शुक्र के अंदर शनि का अंतर बहुत ही अच्छा जाएगा जातकों के लिए। और ऐसे जातक का जो नाम निकलेगा वो नू से निकलेगा तीसरे नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर। चतुर्थ चरण के स्वामी होते हैं मंगल, यानी शनि मंगल के साथ साथ मंगल यहां पे चरण स्वामी भी हो गए और राशि स्वामी भी होंगे, तो मंगल का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसे जातक के अंदर। और एक विशेष तरह से मैं आपको बात बता दूं, चतुर्थ चरण के अंदर जो जातक पैदा होता है प्राय देखा गया कि वो नपुंसक श्रेणी में आते हैं। मंगल की दशा पर ऐसे जातकों की बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे जातक का नए से नाम निकलेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको अनुराधा नक्षत्र के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।